दोस्तों अब देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर और आज हम लोग आए हैं, ये बॉर्डर एरिया पर जाता है गंडौल। गंडौल क्षेत्र है और ये सहरसा और दरभंगा का बॉर्डर एरिया है। यहाँ पे कैंप है जिसका नाम फेमस है बम सिंह का कैंप, वहीं हम लोग आए हैं। यहाँ पे काफ़ी सालों से विश्वकर्मा पूजा किया जाता है और मनाया जाता है। विश्व का निर्माता विश्वकर्मा पूजा, बाबा विश्वकर्मा का पूजा होता है और काफ़ी धूमधाम से होता है। यहाँ पे मेला भी लगता है और चार दिन तक ये जो है पूजा होती है यहाँ पे, जिसमें कुछ प्रोग्राम भी होता है, झूला भी लगा है बच्चे लोग के लिए और काफ़ी दुकानें भी लगी है। यहाँ का जो संस्थापक हैं उनसे बात कर रहे हैं जो ये कब से और कैसे पूजा मनाया जाता है। जी सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में, पहले आप अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम राजकुमार सिंह उर्फ बम सिंह है। बाबा विश्वकर्मा का पूजा लगातार 7 वर्षों से यहाँ मनाया जा रहा है। जब से यह रोड का निर्माण शुरू हुआ है SH 17 का, तो उसी में कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हम भी काम कर रहे थे, तो लगा कि नहीं, यहाँ पर एक बाबा विश्वकर्मा का पूजा होना चाहिए, एक लोगों में आस्था जगी। उस साल से हम लोग लगातार इसको मना रहे हैं और मेरे द्वारा ही इसको संचालित किया जा रहा है और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी 4 दिन तक लगातार होता है। श्रद्धा के रूप में लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं, पूरा भक्ति का माहौल रहता है, यही है यहाँ। जैसे कि यहाँ पे बच्चे लोग, अगर मेला लगा हुआ है तो बच्चे लोग तो ज़रूर आएंगे, तो बच्चे लोगों के लिए मनोरंजन के लिए क्या कार्यक्रम है यहाँ? बच्चों के लिए छोटा झूला, बड़ा झूला, जंपिंग, वो क्या कहते हैं आपको, कार झूला, नाव झूला, ये सब लगाया गया है बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए है। काफ़ी दुकानें वगैरह भी है, ये दुकान सब यहाँ इसलिए लगता है कि सब लोग चारों एरिया के लोग यहाँ आते हैं, दुकान में खरीद फरोख्त करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते हैं, सुबह में घर जाते हैं। ये कितना साल से यहाँ पे आप ये पूजा कर रहे हैं? लगभग 7 वर्ष। 7 वर्ष जी, यहाँ पे 7 वर्ष से ये पूजा होते आ रहा है और आपको हम ले चलेंगे, दिखाएंगे हमारे डिस्प्ले पे, देखिएगा जो काफ़ी जो है दुकानें भी खुल चुकी है और झूला वगैरह का भी मतलब अभी शुरुआत हो रहा है, लगा रहे हैं वो लोग, तो आपको वो दिखाएंगे विशेषता आगे की। रोहित जी हैं जो बाबा विश्वकर्मा का पूजा करने के लिए बैठे थे पूजा पे, तो इनसे ही पूछते हैं जी, ये पूजा पर बैठे थे क्या सोच के और इनकी क्या विशेषता है विश्वकर्मा जी की, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे इनसे। आप परिचय दीजिए। मेरा नाम रोहित कुमार सिंह। विश्वकर्मा पूजा, विश्वकर्मा पूजा विश्व के रचयिता के नाम से बाबा विश्वकर्मा पूजा उत्सव हर देश में मनाया जाता है, वो भी 17 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व के रचयिता, जैसे आप देवघर जाइएगा वहाँ भी बाबा विश्वकर्मा का विशेषता है, आप रूपी मंदिर है बाबा बैद्यनाथ में भी। कब से मना रहे हैं आप ये? लमसम 7-8 साल से मना रहे हैं जी। तो आपको क्या लग रहा है जो जब से आप पूजा कर रहे हैं तो बाबा विश्वकर्मा का आशीर्वाद से क्या आपको? बहुत हम प्रफुल्लित हैं, आज तक गाड़ी रोड पे चलाते हैं, बाबा विश्वकर्मा की कृपा से कहीं हम मिस नहीं किया, और बाबा विश्वकर्मा से हम यही मांग करते हैं कि समस्त देशवासियों को सकुशल रखें। जैसे गाड़ी घोड़ा कोई रखा हुआ है उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? उनको भी यही संदेश देंगे, अगर बाबा विश्वकर्मा आपके दरवाजे पे रखे हुए हैं तो उनका जो मान होता है, सबसे पहले उसको धूप अगरबत्ती से पूजा कीजिए, मन से, दिखावा पूजा मत कीजिए, मन से शुद्धता से पूजा कीजिए बाबा विश्वकर्मा। अच्छा, यहाँ जो मेला लगा हुआ है ये कितना दिन तक रहेगा? 4 दिवसीय मेला। तो यहाँ पे क्या खास विशेषताएं हैं प्रोग्राम के, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी व्यवस्था है? जी, 3 रात अल्लाह रुदल का प्रोग्राम है, 1 रात अगर मौसम अच्छा रहा ठीक ठाक रात 20 को हम लोग सुरेश मिश्रा का प्रोग्राम रखें, अगर मौसम डिस्टर्ब करेगा तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अभी फाइनल है। और बच्चे अगर यहाँ मेला देखने हैं तो उनके लिए क्या? बच्चों के लिए झूला है, छोटा झूला है, स्पॉन्ज है, कूदने वाला है, यही सब है, बच्चों के लिए दुकान है। ये जगह का एड्रेस जैसे किसी को आना हो तो कैसे है, कहाँ पे है? SH 17 बहरामपुर भाई बम सिंह कैंप के नाम से ही जगह प्रचलित है, नियर हीरो एजेंसी। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।